तो मैं अभी घड़ी चौक पे हूँ। आप देख सकते हैं घड़ी चौक है, रायपुर शहर का हृदय स्थल है ने सेंटर। ये जो जगह है बहुत सेंटर में, रायपुर के सेंटर में पड़ता है ना। और ये रहा मेरा दोस्त और ये मैं। ये भी ऑटो चलाता है, मैं भी ऑटो चलाता हूँ। खैर अब हम चलते हैं MD की ओर। MD यानी मरीन ड्राइव। दोस्तों मरीन ड्राइव को शॉर्टकट में MD भी कहा जाता है। तो आप लोग दोस्तों बहुत सारी जगह घूमने आते हैं, जैसे बाहर से जो भी आता है तो सोचते हैं रायपुर में कुछ जगह घूम लायक है तो घूम लिया जाए। तो मैं आज आपको लेकर के चलता हूँ दोस्तों MD यानी मरीन ड्राइव की ओर, है ना। तो आप यदि बस स्टैंड में हैं तो बस स्टैंड से घड़ी चौक आ जाइए। 20 रुपये आपको चार्ज लगते हैं एक सवारी का। और रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन से घड़ी चौक आ जाइए, 10 रुपये लगता है। उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। एक नहीं ले जाएगा, दो नहीं ले जाएगा, कई ऑटो वाले हैं जो आपको आराम से 10 में ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं घड़ी चौक पे हूँ, आप आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं MD की ओर यानी मरीन ड्राइव की ओर। तो दोस्तों ये जो घड़ी देख रहे हैं ना, घड़ी चौक बना हुआ, किसी भी पूछ लीजिए, उसके जस्ट अपोजिट साइड में घड़ी बना है। जो घड़ी का चौक, घड़ी का निशान बना है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में आना है आपको और ऑटो बैठना है। यहाँ से आपको किराया लिया जाएगा मात्र 10 रुपये एक सवारी का, MD का। ठीक है दोस्तों, मैं MD बोलूँ मतलब समझ जाइए आप मरीन ड्राइव। ठीक है, तो आप आइए यहाँ पे और ऑटो बैठिए, 10 रुपये एक सवारी का किराया लिया जाएगा। ये देखिए ऑटो लगी हुई है, खड़ी है ये, और बहुत सारी गाड़ियाँ जो है ये सब जा रही तेलीबांधा की और मैग्नेटो मरीन ड्राइव वगैरह की। तो हमको तो खैर मैग्नेटो नहीं जाना, मरीन ड्राइव जाना है। और यदि आप बोलेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि रेलवे स्टेशन से मैग्नेटो मरीन ड्राइव कैसे जाते हैं, है ना। तो आप उस पर देख सकते हैं कि क्या कहाँ से कैसे बैठना और कितना किराया लगता है। वैसे घड़ी चौक से 10 रुपये है, और रेलवे स्टेशन से घड़ी चौक आएंगे तो 10 रुपये, और घड़ी चौक से मरीन ड्राइव जाएंगे तो 10 रुपये, यानी टोटल 20 रुपये में आप आराम से पहुंच जाएंगे। 1% का किराया बता रहा हूँ। और बस स्टैंड से आएंगे तो 20 रुपये घड़ी चौक का लगता है, बस स्टैंड से घड़ी चौक का 20, और घड़ी चौक से मरीन ड्राइव जाएंगे तो 10 रुपये, यानी 30 रुपये में आप बस स्टैंड से आएंगे तो 30 रुपये में पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं घड़ी बना हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ ताकि मुझे जल्दी जाना है भाई, है ना। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और खड़ा होता हूँ जो भी ऑटो मिलेगा। ये देखिए ऑटो रुक गया है, जो जल्दी जाते रहेगा उस पर बैठ जाता हूँ। ये देखिए 10 रुपये एक सवारी का किराया है और मैं इस पर बैठ रहा हूँ। पहले आप कभी भी ऑटो में बैठेंगे तो दोस्तों किराया ज़रूर पूछ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम MD की ओर। यहाँ से आपका किराया मात्र 10 रुपये ले जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के आसपास है घड़ी चौक से। तो अब हम चल पड़े दोस्तों मरीन ड्राइव की ओर। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत करता हूँ भाई, कम से कम यार सपोर्ट तो कर सकते हो। सबको आप लोगों ने सपोर्ट किया है तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए। और चलिए अब चलते हैं मरीन ड्राइव की ओर। ये सिग्नल है, पहला सिग्नल, यहाँ पे अपन रुक चुके हैं, अब आगे बढ़ने वाले हैं। और ये आगे बढ़ चुकी है गाड़ी। दोस्तों मैं आज अपनी गाड़ी लेकर के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ में गाड़ी चलाना, एक हाथ में वीडियो बनाना, और ट्रैफिक बहुत रहता है, दिक्कत बहुत जाता है। इसलिए मैं सोचा चलो दूसरी ऑटो में बैठ करके सवारी बन करके चला जाए और आपको दिखाया जाए कि कहाँ से कैसे जाना है। तो आपको उसको बता दीजिए मरीन ड्राइव जाना है, 10 रुपये लेगा और आपको खुद ही उतार देगा। बस आप गाड़ी वाले को बता दीजिए, ऑटो वाले को। तो दोस्तों आप यदि यहाँ आते हैं बाहर से रायपुर में, तो यदि आपको मान लो नॉलेज नहीं होता कि कहाँ जाना है कैसे जाना है, तो अनऑप्शन आप पैसा ले लिया जाता है। स्वाभाविक है यार, आप यहाँ आए या कहीं भी जाएँ, यदि आपको जानकारी नहीं होती तो क्या होता है कि आप टोटल डिपेंड हो जाते हैं किसके ऊपर, गाड़ी वाले के ऊपर। उससे क्या होता है, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आपसे अनऑप्शन आप पैसा जो जैसा पाए वैसा ले लिया जाएगा, और आप फिर बाद में अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो मेरा दोस्तों जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का, बस यही है कि आपको जहाँ भी जाना है, जो प्रमुख मेन जगह है घूमना फिरना, और जो काम की जगह है, जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए वीडियो बनाना, ताकि वो फेयर किराया, एकदम सही किराए में अपनी जगह तक पहुँच सके। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे की ओर दोस्तों। और रास्ते में बहुत सारी जगह पड़ेंगी, 2-3 जगह और पड़ेंगे जो मैं आपको बताते चलता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखते रहें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर समझ में आए कि कहाँ जाना है कैसे जाना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आप ये गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, कैमरा दिखा रहा हूँ आपको, है ना।
तो रास्ते में दोस्तों हमको शंकर नगर चौक भी पड़ेगा। जैसे यदि आपको कभी शंकर नगर जाना रहा तो घड़ी चौक से आपको आराम से गाड़ी मिल जाएगा। यदि वहाँ से नहीं मिलता तो ये जो गाड़ियाँ सीधी जाती है उसमें बैठ सकते हैं। आप बोल सकते हैं भैया शंकर नगर चौक जाना है, वहाँ बैठने के बाद उस चौक पर उतर के आप आगे अंदर की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ जाती सीधे जाती है ना। और शंकर नगर के लिए चौक पर जो उतारेगा वहाँ से आप लेफ्ट साइड के लिए मोड़ जाइए, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। खैर रायपुर शहर में आओगे तो बस आपको जानकारी होना चाहिए, तो आप आराम से बहुत कम किराए में पहुँच सकते हैं, और जानकारी नहीं होने से आपसे किराया ज़्यादा लग जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू। और हम आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों, खैर ऑटो वाला सवारी बिठाते चल रहा है। अब भाई बिठा लेगा क्यों नहीं, उसकी भी रोजी रोटी है, मैं बुक करके तो नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और बस घड़ी चौक से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है MMD। मैं आपको ले करके चलता हूँ। और दोस्तों कभी भी आप मरीन ड्राइव आएँ, यदि आपको घूमना हो मरीन ड्राइव, तो सही मज़ा दोस्तों शाम के समय आता है, क्योंकि जो आपको ये मरीन ड्राइव देखना है ना तो शाम के समय देखिए, तभी मज़ा आएगा, कि मतलब वहाँ का नज़ारा वाकई में देखने लायक है। शाम को जाएंगे तो दोस्तों वहाँ का नज़ारा अलग ही है। हरेरा देश तो बगल में तो दिखा रहा हूँ, ये गांधी उद्यान है। कुछ लोग पूछते हैं गांधी उद्यान कहाँ है, यहीं पे है, इसी रोड पे पड़ता है। बगल में जो है पूरा पेड़ वगैरह जो दिख रहे हैं ना, वो गांधी उद्यान का पेड़ है, गार्डन बना हुआ है ना। तो खैर हम तो यहाँ जाना नहीं गांधी उद्यान, हमको चलना है MD मरीन ड्राइव। और ये आ चुका है दोस्तों सिग्नल, यही है शंकर नगर चौक। जैसे आपको शंकर नगर जाना हो तो ऑटो वाले बोल दीजिए डायरेक्ट, यदि आपको नहीं मिल रहा है गाड़ी तो भी हमको शंकर नगर चौक पे रोक दीजिए, 10 रुपये लेगा यहाँ का भी, उससे ज़्यादा नहीं देना है। खैर यहाँ से आप आगे जा सकते हैं कट के शंकर नगर के लिए, पूछ सकते हैं किधर जाना है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब सीधा मरीन ड्राइव की ओर, क्योंकि हमको मरीन ड्राइव जाना है। चलिए अब कंटिन्यू चलते रहते हैं, बस थोड़ी ही दूर बाद मरीन ड्राइव आ जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों घड़ी चौक से मरीन ड्राइव, और मैं शाम के वक्त जा रहा हूँ, क्योंकि जो वहाँ का नज़ारा है तो वाकई में शाम के समय देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। मरीन ड्राइव वगैरह घूमना है तो आप शाम को अपने दोस्त यार फैमिली या फ्रेंड वगैरह के साथ आ सकते हैं, तो शाम को जो घूमने का नज़ारा है दोस्तों अलग ही रहता है। और वहाँ पे आपको खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ है, और घूमने लायक भी जगह है, और खाने पीने का भी स्टॉल वगैरह फूड वगैरह बहुत सारे हैं, वेज नॉन वेज सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सिग्नल आ गया, बस इस सिग्नल के बाद ही यानी कि यहीं से थोड़ी मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर दूर बाद MD चालू हो जाता है मरीन ड्राइव। ये मरीन ड्राइव दोस्तों पहले एक तेलीबांधा तालाब था, बहुत बड़ा तालाब है। इसको क्या है, जो इसका तालाब का सौंदर्यीकरण कराया गया और कुछ निर्माण कराए गए, मतलब बहुत अच्छे से सजाया गया इसको, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया, उसके बाद ही ये मतलब मरीन ड्राइव बना। नहीं तो इसको भी आज भी लोग पुराने लोग तेलीबांधा तालाब के नाम से जानते हैं। तो हम खैर चलते हैं, इसका नया नाम पड़ चुका है मरीन ड्राइव, और किसी भी से पूछोगे जो पुराने लोगों से हैं तो बता देंगे यार तेलीबांधा तालाब और मरीन ड्राइव दोनों एक ही है ना। तो चलिए अब आगे और चल रहे हम, ये देख सकते हैं दोस्तों अब मेरा स्टॉपेज आ चुका है उस तरफ, देख सकते ये है मरीन ड्राइव। अब मैं उतरता हूँ और ऑटो वाले को किराया देता हूँ और चलता हूँ उस पार। तो दोस्तों ये देखिए सामने जो दुकानें लगी हुई है देख सकते हैं, ये खाने पीने की दुकानें हैं, देख सकते हैं यहाँ खाने पीने के बहुत सारी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और ये दोस्तों देख सकते हैं ये इधर पार्किंग है, ये इधर दुकान है उस पार जिस पार से मैं आया हूँ, और इस तरफ मरीन ड्राइव के जस्ट जो मरीन ड्राइव है उसके जस्ट बगल में मतलब उसी रोड पर पार्किंग व्यवस्था भी है। ये देखिए खाने पीने की दुकानें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये सब खाने पीने की दुकानें हैं, आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं, ये देख सकते हैं। और ये है पार्किंग है दोस्तों, बाइक हो या कार हो, यदि अपनी पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो आप यहाँ एक लाइन बनी हुई है और लाइन के अंदर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। तो चलिए अब मरीन ड्राइव की ओर चलते हैं। और दोस्तों पार्किंग में आप लाइन के अंदर गाड़ी खड़ी करेंगे तो कोई पुलिस वाला आपको परेशान भी नहीं करेगा, अन्यथा लाइन से बाहर रहेंगे तो आपका चालान हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मरीन ड्राइव, ये देखिए ये शाम का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों। आप कभी भी आइए तो अपने दोस्त यार फैमिली के साथ जब भी आएंगे
तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार रायपुर आएँ तो मरीन ड्राइव ज़रूर घूमें। ये देख सकते हैं पूरी दुकानें बनी हुई हैं तालाब के किनारे, मरीन ड्राइव किनारे पूरी दुकानें हैं, और इस बहुत सारे घर वगैरह बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। एक जान है यार यहाँ रायपुर शहर में, बहुत ही सुंदर जगह है। तो यहाँ पे आइए, आप घूमिए, ये देखिए तिरंगा समुद्र अपने तालाब के बीच में एक बहुत बड़ा तिरंगा लगा हुआ है ना, जो हमेशा लहराते रहता है। लेकिन अभी शाम है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइट वगैरह जल चुका है, और शाम को आने का कारण यही है मेरा कि आपको दिखा सकूँ। ये दुकानें हैं और बहुत सारे कहने से मकान वगैरह हैं, और ये दोस्तों फुटवेयर अपना कहने से पैदल चलने के लिए बनाया गया है। देख सकती हैं लोग पैदल यहाँ टहल भी सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं पैदल आने जाने के लिए एक घेरा लगा है उसके अंदर, अब तालाब के यानी मरीन ड्राइव किनारे में बना हुआ है, आप यहाँ आराम से पैदल घूम सकते हैं। और बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है यार, यदि आप सामने आकर के देखेंगे खुद तो आपको लगेगा यार कि बहुत अच्छी जगह है, वाकई में आप ज़रूर तारीफ करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है ना, ये पैदल आने जाने वालों के लिए, घूमने वालों के लिए जगह बना हुआ है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं आती, गाड़ियाँ उस पार ही खड़ा करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ लोग पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत एक कोने से वो कोने तक पैदल चलने के लिए जगह बनाया गया है। तो आप आइए यहाँ पे और घूमिए फिरिए और खाने पीने का भी मज़ा लीजिए। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या है, देख सकते हैं पूरा नज़ारा है मरीन ड्राइव का। और शाम के टाइम ही आइए दोस्तों, दिन में आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि शाम को जो लाइट वगैरह जलने के बाद जो नज़ारा है बहुत ही मनमोहक रहता है। आपको वाकई में ये मरीन ड्राइव मेरे को मुंबई का याद दिला दे, मैं मुंबई गया था तो दोस्त यार अपने फैमिली के साथ लोग आते हैं, कुछ कपल्स भी आते हैं, कपल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखेंगे है ना, यहाँ आते रहते हैं। और ये रहा दोस्तों देखो तेली बांधा तालाब, मैं बताया था ना ये तेली बांधा तालाब है, और इसी को बहुत ही सजा धजा के मरीन ड्राइव बनाया गया है। तो बहुत ही फेमस हो चुका है हमारे रायपुर की, किसी भी से पूछेंगे घूमने लायक जगह तो आपको मरीन ड्राइव का नाम ज़रूर बताएंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पैदल आने जाने वालों के लिए। चलिए मैं इधर थोड़ा पैदल चलता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ रेस्टोरेंट वगैरह है जो मतलब मरीन ड्राइव के अंदर ही आता है, आपको सड़क के उस पार नहीं जाना पड़ेगा। कुछ दुकानें हैं जो सड़क के उस पार हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो दिखाया था। और ये जो है दोस्तों, यहाँ से हम पैदल चल रहे हैं, पैदल आते आते घूमते घूमते आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं लाइन से, जो आप अपने पसंदीदा फूड्स वगैरह खा सकते हैं, आपको जो भी खाना पीना है जैसा भी है बैठ सकते हैं। इसके किनारे में चबूतरा वगैरह बना हुआ है, साइड साइड में देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, लोग टहल रहे हैं, तो आपको जैसा उचित लगे बैठो या टहलो, अब खैर आपकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, आप घूमने आए तो घूम सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी है। यहाँ रेस्टोरेंट की कमी नहीं है दोस्तों, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, चाहे तो खा सकते हैं, सड़क के उस पार भी है और मरीन ड्राइव के अंदर भी है, जो घेरा बना हुआ है ना उसके अंदर बहुत से लोग आते हैं, जो दोस्त यार अपने फैमिली वाले के साथ यहाँ बैठ के खाने पीने का भी आनंद लेते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। ठेला वगैरह तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ कुछ एक फुटपाथ पे धंधे करने वाले लोग भी एक थोड़ा सा स्टैंड वगैरह बना के अपना धंधा भी करते हैं, और घूमने वाले गले में लटका के घूम घूम कर बहुत सारे आइटम हैं जो बेचते भी हैं। और यदि आपको बैठ के खाना है तो इधर थोड़ा आगे आ सकते हैं, देख सकते हैं ये दोस्तों, ये दुकानें एक नहीं बहुत सारी दुकानें हैं, और बहुत सारी चीज़ों की दुकानें हैं ये देख सकते हैं है ना। तो आप यहाँ आ करके अपने हिसाब से यदि खाना है पीने का शौकीन है खाने पीने के, तो आप यहाँ आकर के खाने पीने का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ बैठने वगैरह की सब व्यवस्था है, वेज नॉन वेज सब मिल जाएगा आपको, और जो भी फास्ट फूड होते हैं सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे है, लोग खा पी रहे हैं, आप भी आकर के खाना पीना चाहे तो खा पी सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो खैर घूमने आए तो घूम के जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रहा वो जगह जहाँ खाना पीना, आपको मान लो कुछ भी खाना पीना है तो यहाँ से खा पी सकते हैं, देखिए है ना। अब आगे जाऊंगा तो बहुत लंबा डिस्टेंस है दोस्तों, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा, ये जो सामने दिख रहा है ना ये भी उस किनारे में खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ भी होटल वगैरह है बहुत सारे, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं जो निगम वगैरह की तरफ से दिया जाता है, अलॉट किया गया उनको, वो लोग दुकान लगा के यहाँ बैठे हुए हैं।
तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल पे नहीं।